हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ कुछ ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप लोगों को हमेशा से गेम्स चाहिए होती हैं। यानी कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में, जो कि आप लोग अपने एंड्रॉइड आयो जो ऐसे खेल सकते हो और उनको एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो तो लगने वाला आप लोगों को अच्छा, तो वीडियो लगे अच्छा तो जल्द कर देना वीडियो का लाइक, और चैनल पर दफा तो जल्द से मार देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आप सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि शुरू करने वाले आज का वीडियो। गाइस, अपनी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पे निकल के आता है ऑटो लाइफ ब्राजील। अब गेम के नाम में ही आ गया ब्राजील, तो आप लोगों को ब्राजील वाली सिटी तो देखने को यहाँ पे मिलने ही वाली है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को दो एरिया देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोगों को ऐसे गांव वगैरह वाला एरिया देखने को मिलेगा और एक सिटी एरिया देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी क्रॉप्स लेके सिटी जा सकते हो और वहां पे जाके उनको बेच सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे पार्किंग वाली जॉब्स कर सकते हो, या फिर टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो, या फिर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हो। तो जो जॉब आप लोगों को अच्छी लगे वो आप लोग कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को अपनी लग्जरी कार चलानी है इस ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो भी लोग कर सकते हो। बाकी गेम के साइज की बात की जाए तो यहाँ पर 277 MB का ये गेम रहेगा और गेम कंप्लीटली ऑफलाइन है। तो दोस्तों, बड़ा जो आगे बात की जाए ना लिस्ट के नंबर सेकंड गेम की, तो निकल के आते हैं हमारे पास मैड आउट 2 बिग सिटी ऑनलाइन। हाँ जी, तो भैया जी, ये वाला जो गेम है ना, आप लोगों को ले चलते हैं गैंगस्टर वाली दुनिया के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को 100 अपनी तरह के और लोग देखने को मिले गए। यानी कि आप लोगों को निकाल के 99 और आप लोगों को मिला के 100 लोग यहाँ पे होने वाले हैं गेम के अंदर, अगर आप लोग इस गेम को ऑनलाइन में खेलते हो। गेम के अंदर आप लोगों को ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा और कुछ आप लोग कह सकते हो GTA ऑनलाइन या GTA RPG से कुछ मिलता जुलता यहाँ पे आप लोगों को गेम प्ले मिलने वाला है। भाई, गेम की ग्राफिक्स की बात की जाए तो वो तो टॉप नॉच के रहने ही वाले हैं, और अगर आप लोगों को भाई लो सेटिंग में खेलना है तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन, लेकिन भाई हाई सेटिंग्स में खेलोगे तभी आप लोगों को रियलिस्टिक वाले ग्राफिक्स का मजा आएगा। भाई, गेम का साइज की बात की जाए तो यहाँ पे रहने वाला है 637 MB, और गेम आप लोग ऑनलाइन भी खेल सकते हो और ऑफलाइन भी खेल ही सकते हो। हाँ जी, तो भैया जी, अब बात की जाए इसके नेक्स्ट नंबर की गेम की, तो उनका क्या था हमारे पास एक शूटिंग वाला FPS गेम जिसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 5। एक ऐसा गेम जिसमें दोस्तों ना सिर्फ आप लोगों को ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है बल्कि कैंपेन मोड देखने को मिलता है। यानी कि कैंपेन मोड के अंदर आप लोग ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के एलिमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हो, जहां पर ढेर सारे मिशन टास्क आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक ऐसे सोल्जर की कहानी जो कि एक वॉर के अंदर है और उसको भाई अपने क्रू के साथ यहाँ से निकलना भी है, और भाई साहब जो दुश्मन है ना, यानी एनिमी है, उनकी बेसिस वगैरह को भी उड़ाते चले जाना है और स्टोरी लाइन में भी आगे बढ़ते ही चले जाना है। कभी आप लोग स्नाइपर चलाओगे, कभी SMG चलाओगे, और कभी अपने पिस्टल का इस्तेमाल करोगे, और कभी साइलेंट टेक डाउन करोगे अपनी नाइफ के साथ। भाई, गेम के साइज की बात की जाए तो 2.5 GB का यहाँ पे ये गेम रहता है, और ये गेम भी आप लोग ऑनलाइन भी खेल सकते हो और ऑफलाइन भी खेल ही सकते हो। तो हाँ जी भैया जी, अब बात की जाए ना लिस्ट के नंबर 4th गेम की, तो निकल के आता हमारे पास ब्लॉक क्राइम सैंड बॉक्स। अब गेम के नाम में ही आ गया सैंड बॉक्स, तो एक सैंड बॉक्स टाइप का गेम तो रहने ही वाला है, जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं माइनक्राफ्ट टाइप के कैरेक्टर, जिनको आप लोग अपने मर्जी से और अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। आप लोग यहाँ पे ओपन वर्ल्ड में फ्री रोम कर सकते हो, पुलिस की गाड़ियाँ चुरा सकते हो, पुलिस से चेज कर सकते हो, रेसिंग कर सकते हो, हेलीकॉप्टर चला सकते हो, या फिर आप लोगों को कुछ और करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। आप लोग कह सकते हो कि भाई GTA ऑनलाइन से ये भी गेम जो है ना थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, और आप लोग यहाँ पर डिफरेंट टास्क मिशन और हाइस्ट वगैरह भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर में भी इस गेम को एंजॉय कर सकते हो और भाई गेम के मजे उठा सकते हो। बाकी गेम के साइज की बात की जाए तो 331 MB का ये गेम रहता है और ये गेम भी कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो जी भैया जी, बात करें ना लिस्ट के नंबर 5th गेम की, तो निकल के आता है हमारे पास एक ऐसा जाना माना तगड़ा सा गेम जो कि आप लोग डेफिनेटली ट्राई तो जरूर से करोगे। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Payback 2 की, जो कि भाई थोड़ा सा पुराना गेम है, लेकिन भाई साहब अभी भी एक बहुत ज़्यादा तगड़ा गेम है। यानी कि इस गेम में आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अगर यहाँ पे स्टोरी मोड में टास्क वगैरह करना चाहो तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे करने को मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर में गेम खेलना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। आप लोग इस गेम में भी हाइस्ट कर सकते हो, बैंक रॉबरीज कर सकते हो, गाड़ियाँ चला सकते हो, RC कार्स की रेसिंग करा सकते हो, या फिर एक दूसरे पे आप लोग गोलाबारी भी कर सकते हो। गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं रियल प्लेयर्स, और आप लोग मल्टीप्लेयर में भाई उनके साथ खेलने वाले हो तो मजे तो तगड़े ही आने वाले हैं। भाई, गेम के साइज की बात की जाए तो 200 MB का ये गेम रहता है और भाई तगड़ा गेम है। तो जी भैया जी, बात की ना इसके नंबर 6th गेम की, तो निकल के आता है हमारे पास कार सिमुलेटर 2।
अब दोस्तों ये एक ऐसा गेम है जो कि रेगुलरली इम्प्रूव होता जा रहा है, यानी कि भाई पहले इस गेम के ग्राफिक्स काफी ज्यादा लो एंड क्वालिटी के थे, लेकिन अब भाई साहब इस गेम के ग्राफिक्स भी अच्छे कर दिए गए हैं, इसके मैकेनिक्स वगैरह भी अच्छे कर दिए गए हैं, यूआई भी अब काफी अच्छा देखने को मिलता है और एनवायरमेंट भी आप लोगों को काफी ज्यादा लिव्ड इन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा बाबलों की तरह आप लोग अकेले ही गाड़ी चला रहे हो, यानी कि इस गेम में आप लोगों को ढेरों सारी डिफरेंट गाड़ियां देखने को मिलती है जिनको आप लोग खरीद सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को भाई ओपन वर्ल्ड में फ्री रोम करना है ना ऐसे गाड़ी से उतर के, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। गेम की अगर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे रहने वाला है पूरा का पूरा 409 MB, और गेम आप लोग ऑनलाइन भी खेल सकते हो और ऑफलाइन भी खेल ही सकते हो। तो दोस्तों बिना आप टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है मॉन्स्टर यूनिवर्स। अब गेम का नाम ही आ गया मॉन्स्टर, तो आप लोगों को अब मॉन्स्टर ना देखने को मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि रहने वाले दोस्तों एक MMORPG स्टाइल का गेम, जहां पे आप लोग एक आइलैंड पे हो और उस आइलैंड पे जो गार्डियन था ना वो अचानक से गायब हो चुका है। तो अब आप लोगों को भाई पूरे के पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करना है, और साथ में जो इवल फोर्सेज हैं और जो भाई एनिमीज है ना उनसे इस आइलैंड को बचाना भी है, और आप लोग यहाँ पे शेप शिफ्ट कर सकते हो। इसके साथ में आप लोगों के पास डिफरेंट मैजिकल पावर्स हैं और भाई बहुत सारे सुपर अटैक्स और सुपर नेचुरल पावर्स हैं आप लोगों के पास, जिनका आप लोग यहाँ पे गेम में यूज करने वाले हो। इसी के साथ में करेक्टर्स कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, और भाई ओपन वर्ल्ड में फ्री रोम करोगे और भाई अपने किसी भी एनिमल या पेट के ऊपर आप लोग भाई राइड भी कर सकते हो, तो वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करा देगा। बाकी गेम के साइज की बात की जाए तो यहाँ पर 2GB का ये गेम रहेगा, और ये गेम भी कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो जी अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लिस्ट के नंबर 8 गेम की। तो हमारे पास निकल के आता है एक अपकमिंग गेम जिसका नाम है गैंगस्टर न्यूयॉर्क। अब ये गेम तो भाई फाइनली कंफर्म कर दिया गया है गेम लॉक की तरफ से कि मोबाइल डिवाइसेस पे भी बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि इस गेम का एक गेम प्ले ट्रेलर जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो वो लॉन्च कर दिया गया है। एक्चुअली ये गेम प्ले ट्रेलर तो नहीं है, लेकिन आप लोग कह सकते हो कुछ CGI टाइप का ट्रेलर है। लेकिन भाई जैसा भी ट्रेलर है भाई गेम लॉक ने ये बता तो दिया है कि भाई गेम आने वाला है। एक ऐसा ओपन वर्ल्ड गेम जो कि पहले ही PC कंसोल्स पे रिलीज कर दिया गया है, और भाई अब वो आप लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस पे भी खेल पाओगे तो सोचो कितना मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ में गेम में आप लोगों को डिफरेंट मिशन देखने को मिलेंगे, आप लोगों को पुलिस से बचना पड़ेगा, आप लोगों को डिफरेंट हाइस्ट करनी पड़ेगी, आप लोगों को स्टोरी लाइन में आगे बढ़ना पड़ेगा, और कुछ फ्यूचरिस्टिक सिटी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो भाई मजे ही आ जाएंगे। बाकी एक्सपेक्टेड है कि इस गेम का साइज जो 10GB का राउंड अबाउट रहेगा, और भाई ऑनलाइन तो डेफिनेटली ये गेम रहने ही वाला है। तो दोस्तों फाइनली बात की जाए ना लिस्ट के सेकंड लास्ट गेम की, तो निकल के आता है हमारे पास एक सर्वाइवल टाइप का गेम जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टार्स। अब ये जो गेम है ना ये कुछ पहले रिलीज किया गया था, लेकिन भाई कुछ प्ले स्टोर के साथ भाई फड्डे हो गए थे इस गेम के, और भाई इसको टेक डाउन कर दिया गया था। लेकिन भाई अब दोबारा से ये गेम लॉन्च हो रहा है, और आप लोग अब डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट इसकी एक्सेस नहीं ले पा रहे तो आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी इस गेम को डाउनलोड कर पाओगे। गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है काफी ज्यादा मैसिव ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट, जहां पे आप लोग किसी और ही बायोम यानी कि किसी और ही प्लैनेट पे पहुंच गए हो, और वहां पे आप लोगों को करना ये है कि भाई डिफरेंट आप लोगों को यहां पे एनिमल देखने को मिलेंगे जिनसे आप लोगों ने बचना है। आप लोग मल्टीप्लेयर में अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो, तो भाई उनके साथ मिलकर सर्वाइव करने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी गेम के साइज की बात की जाए तो 1.8GB का ये गेम रहेगा, और गेम कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो जी ये भैया जी बात की जाए ना लिस्ट के लास्ट नंबर 10 गेम की, तो हम निकल कर आते हैं हमारे पास Assassin's Creed Codename Jade। अब भाई फाइनली 2 हफ्ते पहले Ubisoft ने भाई इस गेम को अनाउंस कर दिया है, यानी कि इस गेम का एक और टीजर ट्रेलर हमारे पास आ चुका है। बाकी इस गेम के बारे में अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कब ये गेम रिलीज किया जाएगा, लेकिन एक भाई गेम प्ले फुटेज हमारे पास निकल के आई थी जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब पूरा का पूरा एक PC कंसोल का गेम जो है ना एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। बाकी गेम के बारे में भी कुछ हमें ज्यादा इन्फो नहीं पता, लेकिन भाई गेम जब भी आएगा ना तो भाई धमाकेदार रहेगा। यानी कि भाई जो गेम प्ले फुटेज लीक की गई थी या हो गई थी उसके अंदर जो गेम था ना वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट था, और भाई जब डेवलप हो जाएगा फुल तो भाई मजे ही आ जाएंगे। तो भाई बात ये थे वो सारे के सारे गेम जिनके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताना था। होकर तो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जिस कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पे दफा तो जल्द से हमारे सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप लोगों को कौन सा गेम सबसे ज्यादा कमाल का लगे और कौन सा गेम आप लोग पहले ही खेल चुके हो। बाकी मैं और बिल मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड।